ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजणहारे तारिया। ऐसे दीन दयाल सोढ़ी सुल्तान चौथे पातशाह सतगुरु साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब 30 अक्तूबर को समुचे ही संसार भर विच बहुत ही श्रद्धा और सत्कार सहित मनाया जा रहा है। सिखा के केंद्रीय स्थान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे सतगुरां का पावन प्रकाश पुरब बहुत ही चढ़ती कला के नाल मनाया जा रहा है। इस ही संबंध विच हर साल की तरह श्री अकाल तख्त साहब जी तो सतगुरु की छत्र छाया हेठ पंज प्यारे साहबान की अगवाई विच नगर कीर्तन की आरंभता ठीक 12 बजे दोपहर के 12 बजे की जा रही है। समुचिया संगतां नूं बेनती है कि नगर कीर्तन ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ सतगुरां के प्रकाश पुरब वाले दिन सवेर के 9 बजे तो लैके दोपहर के 12 बजे तक सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब और गुरद्वारा बाबा अटाला राय साहब जी विखे सुंदर जलौह सजाए जाएंगे। शाम को दीपमाला की जाएगी। रात को आतिशबाजी 30 अक्तूबर वाले दिन गुरपुरब वाले दिन की जाएगी और गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे कवि दरबार होगा। श्री अकाल तख्त साहब जी के पिछले पासे शाम के दीवान सजणगे, जिस विच भाई सरभाई दविंदर सिंह जी सुहाने वाले और पंथ के प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी पिंदर पाल सिंह जी होरां ने संगतां नूं गुरु जस सरवण करवा के निहाल करना है। समूह संगत नूं श्री अकाल तख्त साहब जी तो ये अपील की जाती है कि गुरपुरब के संबंध में जिथे सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी विखे घिओ के दीवे बाल के दीपमाला की जानी है, उत्थे अपने घरां दे विच भी सजावटी लड़ियां लाइयां जाण और घिओ दे दीपक बाल के जो दीपमाला है वह घरां दे विच भी करके ते धन गुरु रामदास जी महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब बहुत ही चढ़दी कला विच मनाया जाए। समुचियां संगतां नूं चौथे पातशाह धन सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब दीयां बहुत बहुत मुबारकां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।